पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा भाजपा कार्यकर्ता पर किए गए जानलेवा हमला, अत्याचार और हत्या के विरोध में शहर के एयरपोर्ट सर्कल के पास शहर विधानसभा की विधायक मनीषा बेन वकील सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम के बाद फूट निकली हिंसा के चलते आज राज्य भर में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। वडोदरा शहर के भी 5 अलग अलग विधानसभा के मत विस्तार में विधायक सहित कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहां शहर विधानसभा के मत विस्तार वैसे एयरपोर्ट सर्कल के पास विधायक मनीषा बेन वकील की आगेवानी के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी के खिलाफ हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए तीखे प्रहार किए थे। आज समग्र देश ने गुजरात में अमे लोग धरना कार्यक्रम राखे, वडोदरा में विभिन्न जगह में विधानसभा वाइज कार्यक्रम रखा, बंगाल में विधानसभा की चूंटनी समाप्त थया पछी पण हत्याओ खेल शुरू है। गया 3 वर्ष में तमे जोयुं छे जे रीते हत्याओ थई छे भारतीय जनता पार्टी कार्यकरों की, त्यां एमने स्टॉप करवा माटे आ बधा खेल रमाई रह्या छे। अने हुं खास करीने ममता दीदीने अहींथी पण संदेश आपवा मांगू छूं कि भारतीय जनता पार्टीना जे कार्यकर्ताओ छे आखा देश में छे ए बधानी संवेदना ने लागणी त्यांना कार्यकर्ताओ माटे छे। आपणे गईकाले पण न्यूज़मां जोयुं छे लगभग 300-400 कार्यकर्ताओ बंगाल छोड़ीने आसाम तरफ पलायन थया छे, एनो मतलब त्यांनी सिच्युएशन केटली डरावनी छे कि त्यां भारतीय जनता पार्टीना कार्यकरोने रहेवा माटे पण हवे एवुं थाय छे कि रहीशुं तो अमे मरी जईशुं। इवन बहेनों माटे त्यां अत्याचार थई रह्या छे, रेप थई रह्या छे, त्यारे आवी खराब परिस्थितिमां ममता दीदीए बहेन तरीके एक नारी तरीके आगळ आवुं जोईए अने बहेनोनी रक्षा करवी जोईए। एना इलेक्शन पछी सीएम साहेब पोते एने समझवू जोईए के ए सीएम बधाना छे, भले एनो मत आप्या होय के ना आप्या होय, पण एनी जवाबदारी छे के दरेक बहेन भाईओने रक्षा करे।